आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए हम लोग आज क्लास टेंथ का जो प्रश्न 5.4 चल रहा है उसका आज हम लोग 4 नंबर करेंगे। इसके पहले मैंने इसका 3 वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से। देखिए आपको दिया बहुत सिंपल इजली क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको एक पंक्ति में, पंक्ति समझते हैं ना, कतार होता है, मान लीजिए जैसे कि लाइन एक ही दी थी एक पंक्ति में हो गया। कह रहा है कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से, कह रहा है कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार रूप से संख्या 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया। कैसे? ऐसे एक यहाँ पर एक मकान हो गया, एक ऐसे करते 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 ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक? 49 तक मकानों को अंकित किया। जैसे एक नंबर मकान है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, अब ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक? लास्ट 49 तक मकानों को अंकित किया गया। अब पूछ रहा, देखिए किया गया है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है जो x से अंकित मकानों से, कह रहे देखिए x का एक ऐसा मान है जो x से अंकित, अब x से अंकित मतलब x से आपको जो x शब्द है उससे लिखा हुआ शब्द, देखिए x से अंकित मकानों से पहले मकानों की संख्या का योग और उसके बाद मकानों की संख्या का योग क्या बराबर है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पर बिंदु x है, मान लीजिए कोई हमने x बिंदु मान लिया, तो कह रहे हैं x से अंकित पहले मकानों की टोटल संख्या और x के बाद टोटल जो मकानों की संख्या है वो आपस में क्या है बराबर है। कह रहे हैं कि कोई भी बिंदु पर अगर x मान लेते हैं तो x से पहले अंकित मकानों की संख्या और x के बाद वाला मकानों की संख्या दोनों आपस में क्या है, तो कह रहे हैं दोनों उसके बाद वाले मकानों की संख्या क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, तो बहुत सिंपल और इजली है, और x का मान निकालना है तो जबकि संकेत में दिया है, क्या दिया है कि एस एक्स माइनस वन बराबर एस 49 माइनस एस एक्स दिया है। तो ये इसी को देखते हुए हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग ए पी में से जाएंगे और ए पी देखिएगा तो आपको जो आपको ए पी मिले सजेगा ऐसे 1 2 3 ऐसी मकानों की संख्या है, 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक सजेगा 49 तक दिया है ना मकानों का अंकित। अब उसके बाद प्रथम पद देखिएगा ए बराबर तो 1 मिल जाएगा, डी देखिएगा तो आपको दूसरा पद में से प्रथम पद घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर अंतिम पद भी पता है कितना 49, यानी हमारा जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा 49 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हमको निकालना गया, तो देखिए ये संकेत को देखते हुए हम लोग बनाएंगे सवाल को, क्योंकि संकेत जो दिया होता है उसी के हिसाब से सवाल बनता है। तब देखिए यहाँ पर संकेत में दिया है कि हमको चाहिए एस एक्स माइनस वन बराबर आपको एस 49 माइनस एस एक्स चाहिए। तो पहले हम एक ही कर को निकालते हैं सबको, पहले हम एस 49 को, अगर एस 49 को निकालने का मतलब होता है कि क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब जाते हैं एस एन बराबर होता है एन बाई 2 × 2a + n − 1 × d होता है, होता है ना। आपका देखिए एस एन का वैल्यू आपको दिया है कितना, एन का देखिए एस 49 अगर निकालिएगा तो यहाँ पर 49 हो जाएगा ना, अगर एस 49 निकालिएगा तो यहाँ पर भी आपको 49/2 हो जाएगा, 2a का वैल्यू आपको 1 + n का वैल्यू आपको देखिए एन का वैल्यू भी वहाँ पर 49 − 1 × d का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो एस 49 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 49/2 ये आपको 2 हो जाएगा, ये आपको घटेगा तो 48 में से देखिए 48 एक में गुणा तो 48 से हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो एस 49 बराबर आपको हो जाएगा 49/2, देखिए ये जुड़ेगा तो आपको 50 यानी 50 हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीपल कर दीजिए, डिवाइडर कीजिए तो आपको 25, एस 49 बराबर जो आएगा आपको 49 गुणे आपको 25 हो जाएगा, और 25 से अगर गुणा कीजिएगा इसमें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप एस 49 को गुणा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर एस 49, आप गुणा करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, आप गुणा करिए तो आपको आएगा 1225 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गुणा कर लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 25/9 कितना होता है, तो देखिए 25/9 गुणा करना है तो भाई 25 में 9 से गुणा करना होगा, देखिए 9 से गुणा कर दीजिए, अच्छा 25 के 9 बेर पड़ लीजिए तो 25 होता है 200, तो 25/9 कितना होगा, तो आपको 25 जब 200 होता है तो 25/9 हमारा होना चाहिए कितना 225 होना चाहिए ना, 225 होता है, देखिए 225 के 5 कर देता हासिल कितना हो जाएगा 22, अब 25 चौका 100 और 100 में आप 22 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, और 100 में आप 22 जोड़ते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, देखिए 1225 नहीं आया,
आप समझ सकते हैं। उसी उसके बाद हम लोग चाहिए क्या, देखिए अब एस उनचास निकलते एस एक्स भी चाहिए, तो इसको भी निकाल दीजिए इसी फॉर्मूला पर। अगर एस एक्स निकालते हैं तो इसका भी देखिए एन के जगह पर क्या है इस बार एक्स है, तो यहाँ पर भी आपको एक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स का स्थान एन का स्थान पर वही रखेंगे ना, तो यहाँ पर टू ए का वैल्यू वन प्लस एन के जगह पर अब एक्स रखें, क्योंकि इस बार एक्स मिला हुआ है। यहाँ पर आपको माइनस वन हो जाएगा इंटू वन हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, एस एक्स बराबर आपको एक्स बाई टू इंटू दो हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए देखिए आप ये घटेगा नहीं, इसे गुणा कीजिए तो आपको एक्स माइनस वन ही आएगा, सॉल्व कीजिए तो एस एक्स बराबर आपको हो जाएगा एक्स बाई टू, ये आपको घटेगा तो हो जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपको एस एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका, अब निकालेंगे हम लोग चाहिए क्या एस एन का, देखिए हमने यह देखिए सजाने के तरीका में हमने क्या सजा दिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब एस एस एक्स माइनस वन का वैल्यू निकालेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसको, और देखिएगा निकालेंगे यहाँ पर एस आपको एस एक्स माइनस वन निकालना है, यानी एन का स्थान पर क्या रखना है एक्स माइनस वन, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन बाई टू इंटू टू ए का वैल्यू वन प्लस एक्स के स्थान पर देखिए एन का स्थान पर हम लोग एक्स माइनस वन इसमें से घटाएंगे कितना एक, और उसके इंटू डी डी का वैल्यू भी आपको कितना है वन हो जाएगा। आप इस सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एस एक्स माइनस वन बराबर हो जाएगा देखिए एक्स माइनस वन बाई टू ये आपको टू हो जाएगा प्लस ये देखिए ये घट आपको देखिए जुट जाएगा जुटेगा ना इसको जुड़ेगा आपको हो जाएगा कितना या आपको हो जाएगा x माइनस का टू हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x x माइनस वन बराबर आपको मिल जाएगा x माइनस वन बाई टू, और इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए टू प्लस इसे गुणा कीजिए तो x माइनस टू आ जाएगा ना, आप देख सकते हैं यहाँ से टू कर सकता है, आप गुणा कीजिएगा तो x x माइनस वन बराबर आपको मिलेगा x माइनस वन बाई टू, इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में x बच जाएगा ना। अब देखिए हमको मिल चुका है एस एक्स माइनस वन का वैल्यू मान मिल चुका है एक्स में, हमने एस उनचास का वैल्यू निकाल चुका है। अब तुरंत हम इस फॉर्मूला पर इस संकेत जो दिया है इस पर सजा दीजिए, आइए हम जो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पर हम लोग सजाएंगे इसको संकेत में रखेंगे आसानी से वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसके स्थान पर इसका वैल्यू रख दीजिए, जो जो वैल्यू निकाला है उसके स्थान पर रख दीजिए। हमने देखिए हमने इसका वैल्यू निकाला था एक्स, देखिए इसका वैल्यू हमने आया है इसके आया आपको एक्स माइनस वन बाई टू इंटू में एक्स आया है, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर एस उनचास का वैल्यू जो आपको आया था वो कितना आया था 1225 आपको आया था, देख सकते हैं माइनस एस एक्स का वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर निकाला है एक्स बाई टू इंटू आपको वन प्लस एक्स आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करें, देखिए इधर इसके नीचे कुछ भी ना था क्या है वन, एलसीएम कीजिए इसको गुणा कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए ये इसे गुणा कीजिए दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पर हो जाएगा टू, इसे गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा 1225 का दोगुना कितना हो जाएगा 2450 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए यह माइनस यह एक्स से गुणा कर दी इस पर या एक्स इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो देखिए आपको बेस से बेस देखिए बेस बेस समान है ना, तो चाहे तो आप बेस से बेस कैंसिल कर सकते हैं, बराबर में होता है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है। आप देखिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर देखिएगा तो 2450 और यह कितना माइनस एक्स से गुणा किए तो माइनस का एक्स ऐसे गुणा किए तो आपको माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कीजिए स्क्वायर वाला एक्स वाले के बराबर की एक तरफ कीजिए, दोनों को अंदर खींच लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या माइनस में है तो अंदर की या अंदर आएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा या प्लस में अंदर आएगा तो आपको प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपको 2450 बचेगा। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो आपको 2x² बराबर 2450 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप x² बराबर निकालते हैं तो 2450 बट्टा कितना हो जाएगा आप दोस्तों तो आपको 2 से डिवाइड कट जाएगा कितना बार में तो ये आपको 1225 बार में पड़े, यानी आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपको तो आपको 1225 आ गया है। अगर स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दिया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो आपको 1√2 हो जाएगा, तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है आपको 1/35 होता है, यानी प्लस माइनस दोनों में होगा ना 35 जानते हैं वर्गमूल से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में हो जाता है।
अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दो में एक्स का वैल्यू दो है, प्लस में भी है हमारे, तो एक्स का वैल्यू देखिए तो हमको पदों की संख्या लेना है, यानी एक्स बराबर जो होगा ना वो हम लेंगे 35, क्योंकि हम जानते एपी में ऋणात्मक संख्या का प्रयोग नहीं किया था, यानी जो हमारा 35वां नंबर का जो मकान होगा, इसका कहने का मतलब है जो 35वां नंबर जो मकान है उसके अगर पीछे वाला सब पदों की संख्या और उसके बाद वाले के पदों की संख्या जुड़ी है तो दोनों आपस में इक्वल आएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 25 लिख सकते हैं ऐसे 25 आपने यहाँ पर आपको 35 अंकित मकानों 35 अंकित मकानों की संख्या के पहले और बाद की मकानों की संख्या का योग बराबर होगा, क्या होगा योग बराबर होगा। कोई दिक्कत और दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं पुनः इस वीडियो बना सकूं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।